अब अगर आप हिस्ट्री देखोगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा, यहाँ पे जो भी बना है वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की वजह से बना है। आप देखो कश्मीर यूनिवर्सिटी किसने बनाई, सिक्किम किसने बनाया, SMHS किसने बनाया, JLM की हॉस्टल किसने बनाया, यहाँ पे इतनी ज्यारतें वो किसने बनाई, नया कुछ तो बना नहीं किसी ने। मेन स्ट्रीम पार्टी को चुनो, ये इस वक्त नहीं उसको वोट दो इसको वोट दो, फायदा नुकसान तो कश्मीरियों का है, जैसे वोट बटेगा वो मेरा नुकसान है, मैं नहीं बताऊंगा किसी। इसमें फायदा जम्मू वालों को, जम्मू वाले कॉपरेशन ऐसे पकड़ते हैं खुद को, वो एक को एक के पीछे चलते हैं। हम कश्मीरी आपस में इसको खींचते हैं इसको खींचते हैं, लेकिन हम अपना फायदा कभी नहीं देखते हैं। जब आप किसी मोहल्ले में जाते होंगे, 10 लोगों के बीच बैठते होंगे, तो वहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम? मेरे हिसाब से 90-80% लोग NC चाहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब्दुल्ला साहब ने वादा भी किया हमारे पास, जो जब जैसे वो हुकूमत में आएंगे वो 500 यूनिट फ्री करेंगे हमारे लिए, वो हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। और जो भी यहाँ हुआ है वो NC हुकूमत में हुआ है। ये आधे बोल रहे हैं उन्होंने 70 साल में क्या किया, आप मुझे बोले 10 सालों में क्या हुआ है यहाँ पे, जब से इलेक्शन हुआ है तब से क्या हुआ है यहाँ पे? मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट भी थी, इंशाल्लाह NC आ जाएगा वह सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मोदी जी ना, मोदी जी तो वो नहीं आना चाहिए, महबूबा मुफ्ती ना वो भी नहीं आना, वो भी तो आपकी ही बात करती है, आपकी लड़ाई लड़ती है। ना 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 वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो नहीं आना चाहिए, उन्होंने लास्ट टाइम जो गलती की है उसकी वजह से यहाँ पे वो हालात खराब हो गए। कौन सी गलती करी जो उन्होंने कंबाइन किया BJP के साथ? जी जी, कश्मीर में तो हमने कोई रोजगार देखा ही नहीं है। उन्होंने तो वादा भी किया था कि 2 करोड़ मतलब साल में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, तो मिल रहा होगा ना? आप मेरी छोड़िए, आप अपने हिसाब से चेक कीजिए, आपको लग रहा है, आप खुद ही देखिए, मैं अपना बोल रहा हूँ। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, झूठ की तो बात ही वो तो है ही, कुछ ही नहीं बोला उन्होंने, किया क्या है उन्होंने? नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली हिंद। इस वक्त हम मौजूद है हजरत बल मैन मार्केट के पास, और यहाँ से लोगों से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन में किसकी सरकार बनेगी, यहाँ की जनता क्या चाहती, क्या यहाँ की जनता BJP को पसंद कर रही है, क्या यहाँ की जनता PDP को पसंद कर रही है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि NC को पसंद कर रही है फारूक अब्दुल्ला साहब। तो यहाँ की आवाम है, इनके दिल में क्या चल रहा है, यही जानेंगे लोगों से। फिलहाल सामने देखेंगे तो वहाँ पर जो है हजरत बल दरगाह है, उनके बारे में गूगल पर भी सर्च करके आप पढ़ेंगे, काफ़ी हिस्ट्रिकल जगह है। और एक मार्केट है जहाँ पे कपड़े का शॉप वगैरह है, यहाँ पे कुछ जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो यहाँ पे ऑनर है, इनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इलेक्शन जो यहाँ पे 10 साल के बाद होने वाला है, तो लोगों का क्या रुख है, क्या चाहते हैं। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम फाजिल अहमद सोफी है। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। जी सर, कहाँ के रहने वाले? हजरत बल। अच्छा, यही लोकल ही रहने? जी सर, हम लोकल ही हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? मेरा शॉप है, मेरा बिजनेस है। जी सर, फुटवेयर का बिजनेस है। चप्पल वगैरह, जूते वगैरह? सर हाँ, फुटवेयर का बिजनेस है। अच्छा, कब से है? लगभग पुश्तों से है, दादाजी के टाइम से भी है। अच्छा, बहुत पुराने हैं। जी सर, जी सर। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आए हैं जानने के लिए कि चुनाव हो रहा है। हाँ, वो तो है, वो तो हमारी खुशकिस्मती है, चुनाव होते जा रहे हैं 10 सालों के बाद। बहुत तकलीफें उठाई इन दिनों इलेक्शन के बगैर, बहुत प्रॉब्लम आ गई है यहाँ पे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बहुत, बेरोजगारी है बहुत, पढ़े लिखे हैं सारे बहुत बेकार हैं। अब तो हम चाहते हैं इलेक्शन कोई ऐसी तंजीम है, हमें लोगों के जैसे कि बांटे हुए हैं लोग, कोई उस तंजीम के कोई आज़ाद उम्मीदवार उठता है, कोई फंडिंग के वजह से दूसरी तंजीम में उठाते हैं। हम चाहते हैं वो एक जमहूरियत बने यहाँ पे, जो अपनी जो हमारे हुकूक पूरे कर सकते हैं, एक मजबूत यहाँ पे गवर्नमेंट जो है बने। वो तो होनी चाहिए, मतलब वोटों का बंटवारा ना हो कि कोई आज़ाद उम्मीदवार आकर के ले गया, कोई उधर से ले गया। वो तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, वो हम कश्मीरियों के लिए प्रॉब्लम है, वो हम खुद के लिए खुद प्रॉब्लम इशू करते हैं। मैं अगर अपना वोट डिवाइड उसके पास करूँ, जो मेन पार्टी है, मेन स्ट्रीम पार्टी है, चाहे कोई है क्या है वॉट एवर, उनको दोनों में किसी में भी किसी मेन स्ट्रीम पार्टी को चुनो, ये इस वक्त नहीं उसको वोट दो इसको वोट दो, ये हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। इसका फायदा या नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा तो किसका होगा, फायदा होगा तो किसका? फायदा नुकसान तो कश्मीरियों का है, जैसे वोट बटेगा वो मेरा नुकसान है, मैं नहीं बताऊंगा किसी। इसमें फायदा जम्मू वालों को, जम्मू वाले कॉपरेशन ऐसे पकड़ते हैं खुद को, वो एक को एक के पीछे चलते हैं। हम कश्मीरी आपस में इसको खींचते इसको खींचते हैं, लेकिन हम अपना फायदा कभी नहीं देखते हैं, हम खाली एक दूसरे के ताने में। तो BJP मजबूत है तो वहाँ पे वो तो हम वही चाहते हैं, हम जम्मू के पैरों तले नहीं कुचलने चाहिए, हमें भी अपनी सरकार मिलनी चाहिए यहाँ पे, वो सरकार मिलनी चाहिए हमें जो हमारे एक पूरे कर सकते हैं। कौन सी सरकार है?
सरकार कोई भी हो, सरकार बढ़िया आनी चाहिए, बट चाहे जैसे कि और भी मतलब यहाँ पे बहुत सारी पार्टी है, जैसे महबूबा मुफ्ती है, फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, तो भरोसा किसके ऊपर है कि जो लग रहा है कि आपकी इन परेशानियों से निकाले आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारें? विद इन डेज अब मैं देखूँ आपको बोलने की ज़रूरत है, 2019 में क्या हुआ हमारे साथ, उन्होंने हुकूमत बनाई, कश्मीर को तबाह किया, 370 था हमारे पास, अपना हकूक था, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे माँ बहनें होती अच्छे से घूम सकती थी, आजकल देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ड्रग कितना बड़ा है यहाँ पे, उस पर कोई पाबंदी है नहीं यहाँ पे, जो जाए वो भी कर सकता है, अब देखो कत्लेआम कितना होता है, पानियों में लड़के घूमते हैं, हम चाहते हैं ये सब रोक होना, हमें अपनी बीजेपी गवर्नमेंट में तो सब कुछ ठीक हो गया, मोदी जी तो कहते हैं सब बढ़िया है, आप खुद भी देख सकते हो हालात क्या है कश्मीर की, आप पहले से तो अच्छे हैं, मुझे तो नहीं लगता, मैं अपना बोलूँगा, आप देखो कितने डिप्रेशन में है लोग, ड्रग कितना बड़ा है यहाँ पे, कौन निकालेगा इन परेशानी से, मैं चाहता हूँ मेरी तरफ से, आई मीन मैं अपनी ही बोलूँगा, किसी की नहीं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ फारूक अब्दुल्ला साहब आने चाहिए। क्यों आने चाहिए फारूक अब्दुल्ला? उनके जब वो भी हुकूमरान आते हैं, हुकूमत में आते हैं, यहाँ पे जैसे खुशहाली होती है वो ठीक रहता है हमारे लिए। तो महबूबा मुफ्ती भी तो यहाँ की आवाम की बात करती है ना, तो वो क्यों नहीं आने चाहिए? यहाँ की आवाम की बात वो दिल से करनी चाहिए ना। अच्छा, अब अगर आप हिस्ट्री देखोगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा, यहाँ पे जो भी बना है वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की वजह से बना है। आप देखो कश्मीर यूनिवर्सिटी किसने बनाई, सिक्किम्स किसने बनाया, SMHS किसने बनाया, JLM की हॉस्टल किसने बनाया, यहाँ पे इतनी ज्यारतें वो किसने बनाई, नया कुछ तो बना नहीं किसी ने, आप खुद ही देखिए किसी ने कुछ नया बनाया यहाँ पे, जो है सो है, उनके टाइम से बना हुआ है। अच्छा, ये मतलब जो मेन मसला है वो अनएम्प्लॉयमेंट का भी है, अनएम्प्लॉयमेंट फिर लोगों को रोजगार, आप खुद ही देखो, आप इंडिया में चेक करो, पूरे इंडिया में अव्वल नंबर पे आएगा आपको कश्मीर इस टाइम बेरोजगारी में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो रोजगार दे रहे हैं, लेकिन कश्मीर में तो हमने कोई रोजगार नहीं देखा, कश्मीर में तो हमने कोई रोजगार देखा ही नहीं है। उन्होंने तो वादा भी किया था कि 2 करोड़ मतलब साल में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, तो मिल रहा होगा ना? आप मेरी छोड़िए, आप अपने हिसाब से चेक कीजिए, आपको लग रहा है, आप खुद ही देखिए, मैं अपना बोल रहा हूँ। तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? झूठ की तो बात ही, वो तो है ही, कुछ ही नहीं बोला, उन्होंने किया क्या है उन्होंने, आप बोलिए। हमारी जो कश्मीर की गवर्नमेंट है, अगर हमारी कश्मीर गवर्नमेंट होती कुल कल को कुछ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी, आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी किसी देश में जाते हैं तो कितना नाम होता है उनका, लोग उनका स्वागत वेलकम करते हैं। तो होता है, मैं अपने कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मैं आउटसाइड कश्मीर नहीं जाऊँगा, मैं अपने लड़कों की बात कर रहा हूँ। ये देखिए हमारा इलाका है, यहाँ पे इतने बेरोजगार है पूछिए मत, यहाँ पे इन 10 साल में ना कोई डेवलपमेंट हुई है ना कुछ हुआ है। मतलब बीजेपी की सरकार यहाँ पे बनेगी तो आपको भरोसा नहीं है? मुझे नहीं लगता यहाँ पे PDP की सरकार मतलब अगर बनाती है तो आपको भरोसा नहीं है? वो क्या करेगी फिर, जब उन्होंने पिछली बार कुछ नहीं किया, जो भी मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जो भी यहाँ हुआ है वो NCA हुकूमत में हुआ है। ये आधे बोल रहे हैं उन्होंने 70 साल में क्या किया, आप मुझे बोल रहे 10 सालों में क्या हुआ है यहाँ पे, जब से इलेक्शन हुआ है तब से क्या हुआ है यहाँ पे? मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट भी थी। चलिए ये तो आपके आपके खुद के राय थे, लेकिन जब आप किसी मोहल्ले में जाते होंगे, 10 लोगों के बीच बैठते होंगे, तो वहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम? मेरे हिसाब से 90-80% लोग NC चाहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला साहब आने चाहिए, क्योंकि उस टाइम उसको बोलते हैं हम, कोई भी अगर कोई MLA होता है लोकल का MLA, हम उसके पास जाते हैं, हमारा काम निकलता है, हम इस टाइम जाएंगे कहाँ से, किसके पास जाएंगे? अच्छा सर, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या लग रहा है कश्मीर में इस बार क्या होगा? कुछ नहीं। किसकी सरकार बनेगी? NC का। NC की बनेगी सर, आपसे जानना चाहेंगे, काफी देख रहा था पीछे से मुस्कुरा रहे थे आप। हाँ, NC का बनाएंगे फारूक अब्दुल्ला, खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, मैं NC का बिल्कुल है, वो NC का जरूरत है, कोई करेगा सड़का वड़का बनाएंगे, रोड वोड बनाएगा, सब कुछ बनाएगा रोड वोड मोदी, मगर बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई है, कार नहीं, बेकारी है, सब लोग हैं, क्या हुआ, दिल तो ठीक नहीं मोदी को साथ। 20 फुट सड़क का उधर हो गया, 10 फुट सड़क है, ये क्या है? शाम को ट्रैफिक जाम होता है, फिर सुकड़ता जा रहा है। हाँ, सुकड़ता जा रहा है कश्मीर को, रोजगार सुकर रहा है, रोजगार कुछ नहीं है, जीरो है, ट्रांसपोर्ट बढ़ गया और सड़क इतनी सी कर दी। ये देखो पहले हमारे बिजली इतने, हम इतने गिरे हुए, इन्होंने लगा दिया मीटर, हम क्या करें, तो करें क्या? मीटर किस चीज़ का? ये बिजली का, यहाँ तो बिजली के, बिजली है ही नहीं तो मीटर कहाँ से लगाए, फिर फीस आते हैं जितना, हम बढ़ते ही नहीं, जितना हमको ताकत ही नहीं। मोदी जी बिजली नहीं लगाए हैं? कौन सी बिजली? तो खंभा लगा हुआ है, ये खंभा है उसका,
वो सिक्का ये उसका लगाता है। पहले तो लोग जी का थम्बा है ना, वो तो अच्छा होता है, ये बनाता लोहे का थम्बा। अगर कोई खम्बा है उसमें करंट नहीं दौड़ रहा। हाँ वो दौड़ रहा है। वो क्या है, हैं क्या कह रहे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये कह रहे खंबा बना हुआ है लगा हुआ। लेकिन व्हाटएवर, खंबे की बात नहीं है सर, हम देखते हैं। आप देखिए सर, ये ग्रिड स्टेशन है, ये देखिए कितने कपड़ा सुखाने के लिए, कितने मीटर लगाए। तो ये जो तार है कपड़ा सुखाने के लिए है? नहीं नहीं, और क्या, और क्या, और क्या, बिजली तो नहीं है। हम देख तो रहे हैं कि बिजली है, पंखे चल रहे हैं, हर जगह लाइट, हमें कई दिन से यहाँ पे बिजली। इस तो देखो हमें ताकत ही नहीं, तो फीस भरने के लिए ये लगाए फिर से हमको। हम क्या करें, तो करें क्या, गरीब लोग हैं हम, पटरी वाले हम, मजदूर है, मजदूर कहाँ से लाएंगे 2000-3000। ये मसला है, कहाँ लाएंगे ना चाहेंगे मोदी। देखो हम दिन में 400-500 कमाते हैं, उसमें कभी काम आते कभी नहीं आते। क्या कहेंगे मोदी जी से, हम क्या कहें, वो खुद देखे। क्या रिक्वेस्ट करेंगे हम उनको? कुछ नहीं, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, जो करेंगे वो खुद। आपके समस्या से जो प्रॉब्लम है वो तो यहाँ के गवर्नमेंट सॉल्व करेंगे। कौन से? एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। लोगों का मतलब ये कहना है कि एनसी जो है, कुछ कहना चाह रहे थे सर आप पीछे। सर मसला, दूसरा मसला या बिजली का मसला आपने उठाया, यहाँ पे बेरोजगारी इतनी है सर, कम से कम कभी आती है 1560 बिल, कभी आती है 2000, कभी आती है 2500, डिपेंड होता है सर रोजगार पे, डिपेंड रोजगार पे होता है सर। आप देखिए, हम पटरी, हम मजदूर आदमी हैं, हम कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं है, हम लोकल बिजनेसमैन हैं। जो गरीब तक का है, एक तो हमारे कश्मीर की अपनी बिजली है, एक तो ऊपर से इतना फ़ी। आप देखिए फॉर एग्जांपल सऊदी अरब में तेल है, चाहे कहाँ पर तेल है, वो लोग थोड़ी पैसे देते हैं उसके लिए। लेकिन आप, हमें बिजली का भी मसला है बहुत। अब इन्होंने डॉक्टर साहब ने वादा, फारूक अब्दुल्ला साहब ने वादा भी किया हमारे पास, जो जब जैसे वो हुकूमत में आएंगे वो 500 यूनिट फ्री करेंगे हमारे लिए, वो हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। उन्होंने लिए पानी में भी हम सहूलियत लाएंगे, बिजली में भी सहूलियत लाएंगे, वो हमसे, हमारे लिए सबसे बेटर रहेगा। हम चाहते हैं दिल से, जो भी चाहते हैं, हम चाहते हैं फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत आए, हमारे लिए मुश्किल हल हो जाए, इन शॉर्ट। चलिए फिलहाल भाई, आप क्या नाम है आपका? नाम नाम बता दीजिए ना, नाम ही तो पूछ रहे हैं। कुछ नहीं बोल रहे, नाम बता दीजिए। उमर। कहाँ के रहने वाले हैं? यही सोरा के। क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। शादी हो गई? ना अभी नहीं। नहीं हुई है? ना ना। रोजगार है? हाँ थोड़ा, तो अपना ही बिजनेस थोड़ा है, छोटा मोटा बिजनेस है, वही करते हैं। खुद का है? हाँ हाँ खुद का है। काम मतलब इधर लोकली रहने वाले हैं कि बाहर के? सोरा के, सोर यहीं पे अराउंड 5 किलोमीटर यहाँ पे है जी। अच्छा, यहाँ पे चुनाव होने वाला पता है आपको? हाँ हो। तो क्या लग रहा है, युवा मतलब जो न्यू जनरेशन के हैं वो क्या सोच रहे हैं? वो तो चाहते हैं यहाँ पे बदलाव हो, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो दूर होना चाहिए। बस यही कहना। तो क्या लग रहा है, कौन है जो आपकी परेशानी को दूर करेगा? इंशाल्लाह एनसी आ जाएगा, वह सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मोदी जी पे? ना मोदी जी तो वो नहीं आना चाहिए। महबूबा मुफ्ती पे? ना वो भी नहीं आना। वो भी तो आपकी ही बात करती है, आपकी लड़ाई लड़ती है। ना ना ना, वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो नहीं आना चाहिए। उन्होंने लास्ट टाइम जो गलती की है उसकी वजह से यहाँ पे वो हालात खराब हो गए। कौन सी गलती करी उन्होंने? जो उन्होंने कंबाइन किया बीजेपी के साथ। जी जी, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पे बहुत मतलब कि नाइंसाफी की लोगों के साथ, ऐसा आपका मानना है? हाँ हाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।